saying develop at the cost of environment. But we need to find a balanced view by which we have environment also and development also. Hmm. And in India, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो देखें बिजली की, तो न्यूक्लियर, हाइड्रो, थर्मल, विंड, सोलर, बायोमास, वी नीड ऑल. एंड द पॉलिसी हैज टू बी देयर, एज शी राइटली सेड, दैट फॉर रूरल एरियाज, फार फ्लंग एरियाज, वी नीड टू गो फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज, बट देन वी सेव द कॉस्ट ऑफ ग्रिड पावर. बिल्कुल बिल्कुल, यू सेव लॉसेज ओवर देयर. सो वी गॉट टू हैव अ प्रॉपर प्लान एंड यूटिलाइज ऑल सोर्सेज टू मीट आवर पावर रिक्वायरमेंट. आपने एफिशिएंसी की बात करी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मैंने सुना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट में हमारी टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं हुई है, जहां बाकी देश बहुत काम कर चुके हैं, वो जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम आ सकता है. नहीं, दो चीजें, एक तो रिन्यूएबल्स इट्स नॉट ओनली फॉर फार फ्लंग एरियाज. आई थिंक आजकल तरी अर्बन एरियाज में, गुड़गांव में मैं रहती हूं, 12 घंटे 10 घंटे का पार कट होता है. सो देयर इज अ लॉट दैट रिन्यूएबल्स कैन डू इवन इन पेरी अर्बन एंड अर्बन एरियाज. सेकेंड इज कि एज फार एज न्यूक्लियर एनर्जी एंड द सोशल ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड, आई थिंक वी आर डूइंग अ वेरी पुअर जॉब ऑफ कम्युनिकेटिंग द बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड द परसेप्शन ऑफ चैलेंजेस एंड सेफ्टी कंसर्न्स. अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं और उनको एडुकेट नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे और कहेंगे कि भाई मैं कह रहा हूं तो आप एक्सेप्ट कर लो, तो वो नहीं होने वाला है आज के दिन. तो दैट इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट हैज टू बी मेड एंड देयर इज नो पॉइंट लेमेंटिंग द फैक्ट कि भाई ये इतना सारा ऑपोजिशन. बिल्कुल, तो बिजली बचाने को लेकर, बनाने को लेकर ना केवल सरकार बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी होगी. इंटरेस्टिंग बात की आपने कि गुड़गांव में भी 8-10 जो मशहूर नया शहर है, चमचमाता हुआ, ऊंची बिल्डिंगों वाला मल्टीनेशनल का शहर है, वहां भी 8 घंटा पावर कट होता है और बहुत सारे गांव में ये तो होता ही है. हम कुछ और बातें करेंगे बिजली, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है. बन रही है मनी मंत्रा में. विल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एवर गो डाउन?